गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान हमने घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो हिंदी ग्रामर का टॉपिक शुरू किया हुआ है, संधि। संधि किसे कहते हैं, ये हम कर चुके हैं। संधि के तीन भेद वो भी हम कर चुके हैं। उन तीन भेदों में से आज हम करने जा रहे हैं स्वर संधि के बारे में, ठीक है। संधि के तीन भेद बताए थे हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम कर रहे हैं स्वर संधि। यहां पर देखते हैं कि दो स्वरों के मेल से जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, वह स्वर संधि से शब्द नया बन गया। जैसे यहां पर हम देखते हैं विद्या जमा अर्थ। यहां पर दो शब्द दिए गए हैं अलग अलग, हमें करना क्या है, जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर हम देखते हैं और जो अगला शब्द है उसका अगला अक्षर देखते हैं। यहां से इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, इनके स्वर और स्वर जब आपस में टकराएंगे, आपस में मिलेंगे, तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। देखते हैं कैसे। यहां पर है विद्या जमा अर्थी। अब विद्या के अंदर हम देख रहे हैं अंत में आर्थी सामना रही है और अर्थी के अंदर अ की सामना रही है, तो आ जमा अ इक्वल टू क्या हो जाता है, आ की सामना बन जाती है। तो विद्या जमा अर्थी जो हमारा शब्द बनेगा क्या बनेगा, वो यहां पर परिवर्तन होगा या के अंदर, यानी कि आगे वाले अक्षर पीछे वाले अक्षर पलट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर जो परिवर्तन होगा, इस जो अंतिम जो हमारा वर्ण है उसमें परिवर्तन होगा, वो क्या होगा, विद्यार्थी, ठीक है। यहां पर आ और अ मिलने से आ ही रहेगा, तो हमारा जो शब्द बन गया विद्यार्थी, ये स्वर संधि है। हमें आगे देख लेते हैं स्वर संधि के भी पांच भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं, पूरे पांच। पांच भेद कौन कौन से हैं वो देख जान लेते हैं हम। सबसे पहला है धीरज संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और अंतिम है अयादि संधि, ठीक है। ये पांच प्रकार के जो भेद हैं स्वर संधि के वो बताए गए हैं। और सबसे पहले हम कर रहे हैं अपना धीरज संधि, ठीक है। धीरज संधि के अंदर क्या होता है, यदि दो समान ह्रस्व स्वर कौन कौन से, अ ई या उ के मेल से धीरग हो जाए, धीर मतलब अ का क्या बन जाएगा, आ, ई का क्या बन जाएगा, ई, और उ का क्या बन जाएगा, उ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अ अ से बन गया आ, छोटी ई से बन गया बड़ी ई और छोटे उ से बन गया बड़ा उ, यानी कि ह्रस्व से धीर बनना क्या कहलाता है, हमारा धीरग संधि। क्लियर है, कैसे है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे हम देखते हैं अ जमा अ, यदि शब्द के पीछे की ध्वनि अ है और आगे वाले शब्द की ध्वनि भी अ है, यानी कि अ जमा अ मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा आ, और आ क्या हमारा धीरग स्वर है, ठीक है। ऐसे ही अगर अ जमा आ आता है तो भी हमारा क्या बनेगा, आ ही बनेगा, क्योंकि यह है धीरज संधि का नियम है कि आप कोई भी ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आता है तो उसका बनना हमेशा धीरज ही है। जैसे यदि आ जमा आ होता है तो भी बनेगा क्या, आ बनेगा, और यदि आ जमा आ हो तो भी हमारा क्या बनेगा, धीरज ही बनेगा, आ ही बनेगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है अधिक जमा अंश, इसमें देखें अधिक के अंदर अंत में क्या आया है, क, और अंश में क्या है हमारा अ, तो क की जो साउंड होती है वो होती है क जमा अ, क जमा अ, तो अंतिम जो साउंड है वो होगी हमारी अ, तो अ जमा अ, हम नियम किया है अ जमा अ मिल क्या आएगा आ, तो अधिक जमा अंश क्या बन गया हमारा, अधिकांश, ठीक है। तो यहां पर जो परिवर्तन हुआ है वो क के अंदर परिवर्तन हो गया, क का क्या बन गया आ, का,
और ओ यहां से कट जाएगा, सब बन गया हमारा अधिकांश। क्लियर है? उसे आगे देखते हैं। यहां पर जो नियम किया हमने, अ जमा आ हो तो भी आ होता है। कैसे होता है? धर्म जमा आत्मा। अब यहां पर देखेंगे हम कि धर्म के अंदर म है अंतिम वर्ण, म मतलब म जमा अ, तो यहां से हमारी ध्वनि आ गई अ की। और आत्मा में हमारी जो ध्वनि कहां से शुरू हो रही है? आ से। तो अ जमा आ मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो धर्म जमा आत्मा इक्वल टू धर्मात्मा। ठीक है, म से यहां क्या बन गया? मा, धर्मात्मा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आ जमा अ हो तो भी आ ही रहता है। कैसे बनता है? यहां पर हमारा दीक्षा जमा अंत। अब दीक्षा के अंदर हम देखते हैं आ हमारी ध्वनि आ रही है अक्षर के अंदर, आ जमा और अंत में आ रहा है हमारा अ। आ जमा अ इक्वल टू आ, तो क्या बन गया? दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। क्लियर है? क्योंकि तो आ और अ मिलने से एक ही जो वर्ण बनेगा वो बनेगा आ की मात्रा। ठीक है, दीक्षांत। क्लियर है? यहां पे आगे देखते हैं। यदि आ जमा आ हो तो भी आ ही बनेगा, क्योंकि है धीरग संधि है, मतलब धीरग वर्ण ही इसका बनाना है हमें। महाजमा आत्मा, महाजमा आत्मा। तो महा में क्या ध्वनि आ रही है? आ, और आत्मा में आ, तो आ जमा आ इक्वल टू आ, तो महाजमा आत्मा महात्मा। क्लियर है? कैसे बात सुबह ध्वनि था आ जमा और इक्वल टू आ, विद्या जमा थी विद्यार्थी। तो एक बार इसको स्वर संधि के जो नियम है उनको एक बार देख ले, क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये है स्वर संधि के पांच भेद। और इनमें से दीर्घ संधि के अगर दीर्घ संधि की अगर हम बात करते हैं तो दो समान हंसा स्वरों के मेल से दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाती है। इसके अंदर नियम है अ जमा अ इक्वल टू आ, अ आ बनेगा, आ अ बनेगा और आ बनेगा। यानी कि हम धीरक वर्ण ही हमने बनाना है कोई भी वर्ण आए आगे। ठीक है, आगे कोई भी हस्व स्वर कोई भी हो, अ ई उ में से कुछ भी हो, तो हमने बनाना क्या है? इसका धीरक बनाना है। तो ये थे हमारे आज के नियम। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले उसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।